नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ बड़ी खबरों पर। पीएम नरेंद्र मोदी 10 मई को रोहतक में करेंगे रैली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश में लोकसभा चुनाव में मोदी लहर चल रही है। लोकसभा इलेक्शन 2019 में भाजपा की शानदार जीत होगी और नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 10 मई को रोहतक में भी रैली को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि अब हुड्डा पिता पुत्र का राजनीति से विदाई का समय आ गया। मायावती के लिए कभी बंजर नहीं रही हरियाणा की जमीन। बसपा लोसुपा गठबंधन के उम्मीदवारों के हक में माहौल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती सोमवार को हरियाणा आ गई है। उत्तर प्रदेश में बसपा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। दलितों को कांग्रेस और पिछड़ों को भाजपा का वोट बैंक माना जा रहा है। मायावती 29 अप्रैल को भिवानी में भिवानी, महेंद्रगढ़, हिसार और सिरसा तथा इसी दिन फरीदाबाद में फरीदाबाद व गुरुग्राम लोकसभा स्तर की रैलियां करेंगी। उनका दूसरा दौरा 9 मई को होगा। सनी देओल ने गुरदासपुर से किया नामांकन। बॉलीवुड स्टार सनी देओल गुरदासपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नामांकन के समय उनके छोटे भाई बॉबी देओल भी मौजूद थे। सनी देओल अमृतसर से रोड शो करते हुए नामांकन के लिए गुरदासपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लोगों से रूबरू होते हुए कहा कि आप लोगों को उन्हें नहीं बल्कि मोदी जी को जिताना है। वहीं मंच से हिंदुस्तान जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा व 2.5 किलो के हाथ वाला डायलॉग भी सनी ने बोला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर कसा तंज। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसान, युवा, श्रमिक, महिला, हर वर्ग से एक ही आवाज निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेगा। उन्होंने सोनीपत शहर में अलग अलग वर्गों द्वारा आयोजित 4 सभाओं में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के सोनीपत लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसा और कहा कि आज हालात ऐसे हैं कि कांग्रेसी प्रत्याशी और पार्टी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के नाम पर वोट मांगते ही हिचक रहे हैं। हरमोहन धवन ने धुआंधार रोड शो के साथ भरा नामांकन। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव 2019 का दौर चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इसी के साथ साथ अलग अलग पार्टियों से उतरे गए प्रत्याशियों की नॉमिनेशन प्रक्रिया भी जारी है। इसी क्रम में चंडीगढ़ संसदीय सीट से आप प्रत्याशी हरमोहन धवन ने आज सोमवार यानी 29 अप्रैल को नामांकन प्रक्रिया की आखिरी दिन अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं नामांकन के दौरान धवन के साथ कई बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। अगर आपकी कोई भी राय है तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर। बाकी के अपडेट्स के लिए आप हमारे वेबसाइट www.arthprakash.com पर भी जा सकते हैं और हमारा एंड्रॉइड ऐप भी आ गया है, आप उसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फोन पर। और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।